आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। रेडक्रॉस भवन में आयोजित किया गया क्लब फ्रूट शिविर। आपको बता दें कि शिविर के अंतर्गत जिन बच्चों को जन्मजात हाथ पैर टेढ़े हैं उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। साथ ही शिविर में 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का इलाज नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा किया गया। आपको बता दें जब पिछली बार रेडक्रॉस भवन में कटे फटे होठों का निःशुल्क इलाज किया गया था उस समय 67 बच्चों शिविर में आए थे, वहीं इस बार 54 बच्चों ने शिविर में निःशुल्क इलाज करवाया। इन सभी बच्चों को आगे इलाज के लिए नारायण सेवा संस्थान उदयपुर भेजा जाएगा। आज कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमने क्लब फूट शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है। हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हम निःशुल्क ऑपरेशन कराते हैं, चाहे वो BPL हो चाहे APL हो। हम धीरे धीरे एक एक रोग से सभी को मुक्त कर रहे हैं। बच्चों की हृदय रोग में भी निःशुल्क ऑपरेशन कराते हैं। अब बहुत ही कम हमारे यहाँ बच्चे ऐसे बचे हैं जिनका कि हृदय रोग जिनको बचा हो। इसी के साथ ही हमने जो हमारे जो कटे होंठ और फटे तालू वाले जो बच्चे थे उनके सबके ऑपरेशन करा के जिले को इस रोग से मुक्त कर दिया। अब हम क्लब फूट से यानी जो बच्चे के जन्मजात जो टेढ़ा पैर आता है उससे हम बच्चों को मुक्त करेंगे। नारायण सेवा संस्थान का टीम आया हुआ है, वो परीक्षण कर रहे हैं और इन बच्चों को चिन्हित करके इनके सबके निःशुल्क ऑपरेशन उदयपुर कराए। जिला अस्पताल में चलाए जा रहे शिविर में आखिर विजय को मिल ही गई चलने की ताकत। पिछले साल जब रुठियाई निवासी विजय, जो कि 6 बहनों में एकमात्र भाई है, जन्म से ही टेढ़े पैरों की वजह से चलने में असमर्थ था, वहीं इस बच्चे का निःशुल्क इलाज जिला चिकित्सालय में कराए जाने के बाद इसे नारायण सेवा संस्थान उदयपुर भेजा गया, जहाँ से अब बच्चा चल फिर पा रहा है। वहीं अभी इस बच्चे का एक और ऑपरेशन होना बाकी है। इसके बाद इसके चलने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वह भी खत्म हो जाएंगी। बच्चे को चलता देख उसकी माँ बहुत ही प्रफुल्लित है। लड़का है, मतलब कितनी लड़कियों में एक लड़का था आपका? 6 लड़कियों में एक लड़का है। अच्छा अच्छा, अब उसको सही है वो? अब सही है। बच्चा क्लब फूट का है, जन्म से इसको पैर टेढ़ा मेढ़ा आया हुआ था, तो हम लोगों ने अभी नेक्स्ट ईयर में सितंबर में क्लब फूट का शिविर रखा था नारायण सेवा संस्थान से, तो इनको पहले ही वहाँ से हमारी टीम ने सेलेक्ट किया, RVS की टीम ने, और इनको बच्चे
इनको यहाँ बुलवाया और जांच करने के बाद इनको नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ऑपरेशन के लिए भेजा है। तो आज बच्चा चल पा रहा है, बिल्कुल चल लेता है। इसका एक ऑपरेशन और होना है जो नारायण सेवा संस्थान में होगा, इसके बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नो एंट्री में पकड़ा भसुए से भरा ट्रैक्टर, शहर में कहीं भी नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं पड़ते, इसके बावजूद भी यहां लगती है नो एंट्री। इस नो एंट्री के दरमियान कोई भी भारी वाहन शहर के अंदर से नहीं गुजर सकता। ये बात अलग है कि कई बार बड़े वाहनों को बेतहाशा भागते हुए गुना की सड़कों पर देखा जाता है। आज ऐसे ही एक ट्रैक्टर को यातायात थाने पर रोका गया और उससे 500 रुपए की रसीद काटने की बात भी कही गई। वहीं किसान की माने तो उसने बताया कि वह कुटीर बनाने के लिए खुद के ही ट्रैक्टर से भसुए का परिवहन कर रहा था। उसे पुलिस वालों ने रोक लिया, बताया कि शहर में नो एंट्री है इसलिए तुम्हें 500 रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी। उसने कहा कि उसे रास्ते भर में कहीं भी नो एंट्री का कोई बोर्ड दिखाई नहीं दिया, तो उसे कैसे पता चलेगा शहर में नो एंट्री है। पास से पकड़ी हैं और 11 बजे करीब पकड़ी हैं और बोल रहे हैं अभी दिन को, और ये कौन ने पकड़ी है ये ट्रैफिक पुलिस वाले ने, और ये बोल रहे हैं 500 रुपये की रसीद कटाओ। ये तो बात की रसीद कटवाने की बोल रहे हैं, ये नहीं बता रहे किस बात की रसीद, वो ये बोल रहे हैं 500 रुपये की रसीद कटाओ और जाओ। वो बोल रहे हैं कि नो एंट्री, और कहीं पर लिख भी नहीं रही, हमें कहीं दिख भी नहीं रही नो एंट्री कहाँ लिखी है। हम किसान आदमी और हमारे लिए कुटी आई है, आवास योजना में कुटी के लिए हम ये बस ले जा रहे हैं। तो ट्रैक्टर आपका निजी है? ट्रैक्टर हमारा दोनों ट्रैक्टर आपके लिए नहीं, एक है वो पहला वाला, एक ही हमारा। दो पकड़े हैं? एक पकड़ा है हमारा, दूसरा कोई है भाई, दूसरे का है। यूथ क्रिकेट क्लब द्वारा कराए जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में आज इंदौर एवं गुना की टीमों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें गुना की टीम ने 82 रन से मैच जीत लिया। पिछली बार जब यह मुकाबला हुआ था तब इंदौर की टीम ने गुना को हराया था। आज जो मैच खेला गया वो इंदौर वर्सेज गुना यूथ क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें गुना ने 186 रन बनाते हुए 186 रन बनाए और इंदौर को 104 रन पे ऑल आउट कर दिया। इसका मैच यूथ क्रिकेट क्लब वर्सेज स्टार क्लब इंदौर के बीच हुआ, जिसमें यूथ क्रिकेट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी और बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनर बैट्समैन ने अच्छी शुरुआत करते हुए तनेश रघुवंशी ने 53 रनों की पारी खेली, रशि सेंगन ने 57 रनों की पारी खेली। इस तरह यूथ क्रिकेट क्लब ने 35 ओवर में 186 रन बनाए और स्टार क्लब की टीम मैच 104 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें दिव्यांश यादव ने 3 विकेट लिए। और आज इस दोनों मैचों के मैन ऑफ द सीरीज तनेश रघुवंशी को दिया गया है और विजेता टीम दोनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। दोनों मैच यूथ क्लब गुना ने जीते और बहुत अच्छी तरीके से जीते, जबकि हम पिछले साल हमने एक तरफा मैच इनको हराए थे, पर इस साल में जो है मेरे यहाँ के जो कैंप में जूनियर बच्चे आए हैं वो लाया हूँ, तो काफ़ी कमज़ोर थे वो बच्चे, पर फिर भी जो है उनको काफ़ी मेहनत कराऊँगा मैं, और हो सकता है अगले साल जब भी मैं आऊँगा तो विनर होके जाऊँगा। और मुझे खुशी है कि सौरभ रघुवंशी आज इतना मेहनत कर रहा है, उसका ये परिणाम है, हार जीत से मतलब नहीं है, पर जितना भी वो मेहनत कर रहा है तो उसका फल उसको आज मिला है। चोरों ने तोड़े ताले, ले गए घर का सामान,
देर रात पत्रकार कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी। चोर घर से जेवरात, नकदी, टीवी सहित सब ले उड़े। अज्ञात चोरों ने पहले मेन गेट का दरवाजा उखाड़ा, फिर दिया वारदात को अंजाम। जिन कमरों में परिजन सो रहे थे उनका दरवाजा चोरों ने बाहर से लुंगी से बांध दिया। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया, साथ ही लॉकर, अलमारी सब खाली कर गए। रात 3:45 बजे की घटना बताई जा रही है। चोर अपने साथ 80-90 हजार रुपए नकदी, जेवर, हार और सोने की छोटी छोटी चीजें और टीवी, लॉकर सब ले उड़े। जेवरात की कीमत का अभी तक कोई अनुमान नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। रात को 12:30 बजे तो हम लोग सोए थे, लेकिन 2:30 बजे के करीब जो है दरवाज़ा किसी ने खोला तो हमें मालूम पड़ा कि कोई है। जब बाहर आके देखा तो दरवाजे पूरे खुले थे और एक कमरे की सारी अलमारियाँ टूटी पड़ी थी और उसमें से जो है जेवर और केश है। कितना आपके जेवर क्या, कितना केश था और क्या है? केश का तो अंदाजा नहीं है, सिलक कितनी थी, पिछली की सिलक वगैरह थी, लेकिन जेवर और सब मिला के 2.5 लाख रुपए का, 2.25 लाख रुपए समझ लीजिए। बीनागंज चाचौड़ा की नगर पालिका को प्रदेश भर में मिला 111वां स्थान। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार पूरे देश में 4041 नगर पालिकाओं का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें बीनागंज चाचौड़ा की नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 349वां स्थान मिला। वहीं प्रदेश में इस नगर पालिका को 111वां स्थान मिला है। अपनी इस उपलब्धि के बारे में चाचौड़ा बीनागंज नगर पालिका के सीएमओ ने हमें बताया कि इस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए बीनागंज और चाचौड़ा की जनता का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ कर स्वच्छता में हाथ बटाया, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। देखिए, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हुआ था, जो फरवरी में इसका सर्वे हुआ था, तो इसमें देश के पूरे 4041 शहर शामिल हुए थे। तो ये तीन, इसका जो मानक है तीन शहर, तीन स्तर पर है। पहला सेवा स्तर पर थी, दूसरा प्रत्यक्ष अवलोकन और तीसरा नागरिक फीडबैक। तो इस पर हमने एक सबसे पहले तो एक एनजीओ हायर किया था, उसने कई मतलब कई दिनों से हमारी गतिविधि चल रही थी स्वच्छता के संबंध में, और जैसे हमने रोको टोक अभियान चलाया और स्कूल्स में और दुकानों में कॉम्पिटिशन कराए और इस तरह से, और उसका ये परिणाम निकला कि जैसे कई सामाजिक संगठन, सेन समाज आया और ऑटो यूनियन वाले आए, खुद आके हमने अपने सहयोग किया अपना। इस तरह से जब सर्वे हुआ, हमने पहले से जो तैयारी की थी उसका ये है कि आज इंडिया में 4041 शहरों में से 339वें नंबर पर आए और प्रदेश में अपन 111वें नंबर पर आए। डीजीएनआई न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।